अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं YouTube पर अपलोड नहीं कर रहा था, तकरीबन 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं क्योंकि मैंने YouTube से एक ब्रेक लिया हुआ था। तो अब मैं वापस आ गया, अब रेगुलर हो जाऊंगा मैं YouTube पर। तो इसलिए मैं YouTube पर वीडियोस बनाना छोड़ दी, लेकिन अब मैं वीडियोस बनाऊंगा और अब मैं तकरीबन कोशिश करूँगा कि मैं कॉन्स्टेंट रहूँ, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया अभी 5 to 6 मंथ्स का, तो उसकी वजह से मैंने वीडियोस भी नहीं अपलोड की। तो अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और फ्रीक्वेंटली अपलोड करूँगा, लाइक वीक में 1-2 दफ़ा अपलोड करिया करूँगा। तो ये जो वीडियो है एक फ़ूड रिव्यू है, इसमें मैं आप लोगों को 3 जगहों का फ़ूड रिव्यू दूँगा। एक है स्वादिष्ट रेस्टोरेंट, एक है गॉडफादर और एक है शुगर। ये इनमें से तो दो हैं, वो ये दो रेस्टोरेंट्स हैं और एक है डिज़र्ट एरिया, एक आइसक्रीम शॉप कह सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते रिव्यू। सबसे पहले स्वादिष्ट रेस्टोरेंट का शुरू करते हैं। पहले आप लोग रेस्टोरेंट देख लें एक दफ़ा। आप लोगों ने रेस्टोरेंट देख लिए, तो इसका जो है देसी फूड भी है, फास्ट फूड भी है और लाइव कुकिंग करके उधर लाइव कुकिंग हो रही होती है और ये ओपन है और काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका। तो इनका तो मैंने ट्राई किया, देसी इनका खाना मैंने ट्राई किया है। मैंने इनकी चिकन कढ़ाई और टका टक ट्राई किया मेन कोर्स में और मैंने इनका डिज़र्ट एरिया में ट्राई किया। इनकी आइसक्रीम भी है मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने इनका वो ट्राई किया था न्यूट्रेला नान और इनकी जलेबियाँ भी उधर फ्रेश बन रही थी तो वो भी मैंने ट्राई की और इनकी चाय भी अच्छी है और जो खाना भी अच्छा है, लेकिन सारे पैसे इन्वायरमेंट के हैं। तो खाना तो कहीं से भी खा सकते हैं, बस इन्वायरमेंट के पैसे क्योंकि ओपन में है और उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप लगाया। अगला रेस्टोरेंट जो है वो गॉडफादर है। गॉडफादर एक फ़ास्ट फूड चेन है, फ़ास्ट फूड वो लोग बनाते हैं ज़्यादा अच्छा। तो उनका मैंने ट्राई किया सालसा बर्गर और उनका फ्राइड फिले बर्गर। तो इनकी शॉप आप लोग देख लें एक दफ़ा। अंदर सिटिंग भी है और काफ़ी अच्छी शॉप इनकी बनी हुई। तो इनका जो फ्राइड फिले बर्गर है, वो एक फिले होता है फ्राइड और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह ने लगा के फ्राई किया होता है। जो इनकी सॉस है वो भी अच्छी है और जो बर्गर ये यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो दूसरा था सालसा था इनका, वो ग्रिल्ड, इनके ग्रिल्ड बर्गर ज़्यादा अच्छे हैं। फ्राइड भी अच्छा था, मुझे लगता था फ्राइड नहीं अच्छा होगा, लेकिन फ्राई भी अच्छा था। और जो है इनका जो सालसा बर्गर है वो भी अच्छा, वो ग्रिल्ड पैटी होती है साथ इनकी, डिफरेंट सॉसेज ऊपर लगा के देते हैं और पैकेजिंग भी इनकी अच्छी थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गॉडफादर, और जो और प्राइस वाइज भी अच्छा है। और जो दूसरा है वो है शुगर।
शुगर, एक डिज़र्ट शॉप है, आइसक्रीम शॉप, उसकी आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी है, ब्राउनी विद आइसक्रीम है, जिस तरह आइसक्रीम है, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं उनके। तो मैंने उनकी ब्राउनी विद आइसक्रीम ट्राई की थी और नटी को नटी आइसक्रीम उधर ही उन्होंने बना के दी थी, उधर नट्स लगा के और ऊपर चॉकलेट सिरप लगा के उन्होंने बना के दी थी। मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की हैं, दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो आप लोगों को शुगर भी ट्राई करना चाहिए। और स्वादिष्ट रेस्टोरेंट की मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया, तो उधर एक ब्रांड आया था ड्रम जैम, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस ब्रांड है, ब्रांड है ये ड्रम जैम। तो उनका उधर एक शो टाइप था, लाइक सारे ड्रम बजा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे म्यूज़िक था। तो एक दफ़ा आप लोग सुन ले वो वीडियो, मैं प्ले करता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।